मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए, 40 विधायक होना चाहिए बिहार में मुस्लिम समाज का, है 19। लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है, ये आपको चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते हैं। चिंता का कारण क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए, लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हैं 11,000 से कम। ऐसा क्यों है? वहां तो आपको आरजेडी का टिकट का इंतजार नहीं करना है। ये आंकड़ा बता रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में राजनीति को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो खत्म हो गई है। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको आरजेडी में किया है। आपको विकास दिया या न दिया, आपको ये राजनीतिक मानसिक गुलामी दे दी, जिसमें ये बता दिया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो राजनीति हमको करने दो, हमारा झंडा लेकर पीछे जीवन भर चलते रहो। इसीलिए आपके बच्चे MY समीकरण चाहिए। यही आपको बताया गया है पिछले 30 साल में, MY समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे। लेकिन उस सारे समीकरण से आप भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं है। अब समीकरण है YM। जहां Y खड़ा होता है वहां पर मुकम्मल M समाज के, मुसलमान समाज के लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा Y समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देता है। आप हमारे लिए, जन सुराज के लिए किरासन तेल नहीं है, लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है।